Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हाल ही में भारत को लेकर अमेरिका ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुन शायद चीन की नींद उड़ जाएगी। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत अमेरिका का मित्र और अहम साझेदार है। उन्होंने कहा कि सीमा संघर्ष के दौरान अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दोनों ही देश सीमाओं और संप्रभुता और कानून के शासन के सिद्धांत को मानते हैं। गारसेटी ने कहा कि अमेरिका का ये सुनिश्चित करने का लंबा इतिहास रहा है कि दुनिया में कहीं भी आक्रामकता को बढ़ावा नहीं दिया जाए। अमेरिका हमेशा चीन के साथ भारत की कूटनीतिक बातचीत का समर्थन करता है। गारसेटी ने ये भी कहा कि सीमा पर संघर्ष होने पर हम भारत के साथ खड़े हैं। हमने 1952 से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी। हमारे पास ये सुनिश्चित करने का एक लंबा इतिहास है कि दुनिया में कहीं भी आक्रामकता को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। गारसेटी ने आगे कहा कि विशेष रूप से जब चीन की बात आती है तो हम सभी शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। जब गारसेटी से पूछा गया कि अमेरिका भारत को चीन का जवाब मानता है तो उन्होंने कहा, हम अभी भारत की कूटनीतिक बातचीत का समर्थन करते हैं। आप जानते हैं कि सीमा का अधिकांश हिस्सा लगभग 75% सुलझ चुका है, जैसे विदेश मंत्री अजय शंकर ने बताया, मगर दोनों देशों को अभी भी कुछ काम करने हैं। हम भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। गारसेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को घनिष्ठ मित्र भी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच घनिष्ठ मित्रता है। मोदी भारतीय इतिहास में अब तक के सबसे अधिक अमेरिका समर्थक प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे अधिक भारत समर्थक राष्ट्रपति हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी आवास गया। ये गहरी दोस्ती का प्रतीक है।